हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में एक बार फिर आप सब स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। अब अपना रनिंग चैप्टर लेसन नंबर टू चल रहा है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। इसके अंदर आज का जो तीसरा वीडियो है, वीडियो नंबर 3, द टॉपिक इज सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो यानी कि त्याग का अनुपात क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिंपल वर्ड्स के अंदर सैक्रिफाइस का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो एक्स नाम का एक पार्टनर था, प्रॉफिट डिवाइड हो रहा था, 2 या 3 पार्टनर थे। जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो एक्स के हिस्से के अंदर 5,000 रुपए का प्रॉफिट आया, ₹5,000 और द शेयर ऑफ एक्स। इन्होंने किसी न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया, न्यू पार्टनर 1/4 के लिए या 2/5 के लिए या किसी भी हिस्से के लिए एडमिट किया गया, तो बट नेचुरल और साझेदारों के साथ साथ एक्स भी एक पार्टनर था, तो इसको भी न्यू पार्टनर को अपने लाभ में से कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। अपन ये मान के चलते हैं कि एक्स ने अपने 5,000 रुपए के प्रॉफिट जो पहले मिल रहा था, इसके अंदर से नए पार्टनर को 1,000 रुपए दे दिए। 1,000 रुपए इसने सैक्रिफाइस कर दिया। ये इसका क्या है, 1,000 रुपए जो इसने न्यू पार्टनर को दे दिया, ये इसका सैक्रिफाइस हुआ, ये इसका त्याग हुआ। एडमिशन के बाद में इसके हिस्से में कितने पैसे आएंगे, 4,000 रुपए इसका हिस्सा होगा। तो ये तो है त्याग, सैक्रिफाइस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइस एंड सैक्रिफाइस रेशो। ये अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताऊंगा सैक्रिफाइस रेशो क्यों कैलकुलेट किया जाता है, इसका पर्पज क्या है। थ्योरेटिकल के अंदर ये क्वेश्चन जनरली दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड, मे बी पुट अप इन द एग्जामिनेशन, व्हाट द रीजन दैट द सैक्रिफाइस रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ ए एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब अपन ने फर्स्ट लेसन पढ़ा था, यानी कि सेकंड लेसन जब पढ़ा था, तो न्यू पार्टनर इज एडमिटेड और उसको 2 अधिकार मिले थे, संपत्तियों में हिस्सा लेने का अधिकार, उसके लिए वो अपनी कैपिटल लाता है अपने हिस्से की, और फ्यूचर प्रॉफिट्स के अंदर वो पार्टिसिपेट करता है, इसके लिए उसको अपने हिस्से की गुडविल लानी पड़ती है। अब नया पार्टनर जो गुडविल लाएगा, वो नई गुडविल जो अपना हिस्सा लाएगा, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 जो भी उसका शेयर है, वो जो गुडविल लाई जाती है वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स को वो मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स जो है वो अपने प्रॉफिट के अंदर से न्यू पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, त्याग करते हैं, अपने लाभ के अंदर से कुछ हिस्सा न्यू पार्टनर को वो देते हैं, यानी कि वो लॉस में चले जाते हैं। सिंपल वर्ड्स के अंदर यदि अपन गए तो उस लॉस को या उस सैक्रिफाइस को कंपनसेट करने के लिए क्षतिपूर्ति कौन करेगी, फर्म करेगी। तो ओल्ड पार्टनर्स को जो सैक्रिफाइस करना पड़ा, उसको कंपनसेट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट किया जाता है, और उसकी भरपाई करने के लिए न्यू पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल सैक्रिफाइस रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है।
That's why the sacrifice ratio is calculated at the admission of a new partner. पिछले वीडियो के अंदर अपन ने नया अनुपात कैसे कैलकुलेट होता है, उसका फॉर्मूला क्या था, ये अपन ने चर्चा करी. आज का जो मैं टॉपिक ले रहा हूं, सैक्रिफाइस रेशो, त्याग का अनुपात कैसे कैलकुलेट करेंगे. एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ए और बी 3:2 के अंदर पार्टनर थे. सी वॉज एडमिटेड, सी फॉर साइन ऑफ इंटरोगेशन, यानी कि सी को एडमिशन तो दिया, ये तो मालूम है, लेकिन सी को कितने हिस्से के लिए एडमिशन दिया गया ये इसके क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है. स्टूडेंट्स अपन यहां देख सकते हैं कि ए बी सी का फ्यूचर के अंदर न्यू रेशियो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 5:3:2. इस रेशियो के अंदर 5 स्टैंड्स फॉर ए, 3 स्टैंड्स फॉर बी एंड 2 स्टैंड्स फॉर सी. मींस सी वाज एडमिटेड फॉर 2/10. मैं इस साइन ऑफ इंटरोगेशन को हटा सकता हूं, यानी कि सी को जो एडमिशन दिया गया वो कितने के लिए एडमिशन दिया गया, 2/10 के लिए एडमिशन दिया गया. व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशो. तो व्हेन एवर द न्यू रेशो इज गिवन इन द क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे, यदि क्वेश्चन के अंदर नई फर्म का न्यू रेशो यदि दिया हुआ है, नई फर्म कौन सी होगी, ए बी और सी, इसके अंदर न्यू रेशो दिया हुआ है, तो हम सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो मैं यहां बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं. सैक्रिफाइस रेशो एस स्टैंड फॉर सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. इसका फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइस रेशो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और आई कैन एक्सप्लेन एस इज इक्वल टू ओ माइनस एन. अब सैक्रिफाइस कौन करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस करेंगे, तो फॉर्मूले के अंदर फिगर में रखूंगा ए और बी सी के लिए सैक्रिफाइस करेंगे, तो ए का ओल्ड रेशो क्या दिया हुआ है, 3/5. ए को पहले कितना ओल्ड रेशो, यानी पहले कितना मिल रहा था, 3/5 मिल रहा था, और इसके एडमिशन के बाद में कितना मिल रहा है, 5/10. न्यू रेशो ए का इसमें से लेस कर देंगे तो 5/10. इसी तरह से बी का सैक्रिफाइस रेशो हम कैलकुलेट करेंगे, तो बी का ओल्ड रेशो पहले क्या था, 2/5, और इसके अंदर से इसका न्यू रेशो कितना है, 3/10. 3/10 इसमें से लेस कर देंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 10. 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, -10 1 जा 1 5 जा, 5 2 जा 2 2 जा 4, -10 1 जा 1 3 जा 3. 6 में से 5 को लेस करेंगे तो 1:2, 4 -3 1, ये आंसर. सैक्रिफाइस रेशो जो आया वो कितना आया, 1:1. 1:1 का मतलब 1/2 1/2, आधा आधा, 50-50. सी को जो एडमिशन दिया गया 2/10 के लिए, ये 2/10 इसने किससे लिया, ए और बी से लिया, और किस रेशो के अंदर लिया, 1:1 के अंदर, 50-50. क्वेश्चन के अंदर क्लियर है कि सी वॉज एडमिटेड फॉर 2/10. अब अपना ये कैलकुलेशन रॉन्ग है या राइट है इसको आप कंफर्म कर सकते हैं. आंसर अपना कितना आना चाहिए, सी वॉज एडमिटेड फॉर 2/10. 2/10 हिस्से के लिए इसको एडमिशन दिया गया, तो 2/10 का ये जो सैक्रिफाइस रेशो था ये ए और बी का 1:1 था. तो सी कितने के लिए आया था, 2/10 के लिए, तो 2/10 का आधा, 1/2, को इससे किससे लिया,
ए से लिया और 2/10 का आधा किससे लिया, बी से लिया, यानी कि ए से कितना लिया 2/20 और बी से भी कितना लिया 2/20 और सी कितने के लिए आया था 2/10 के लिए आया था। तो यदि मैं इन दोनों फिगर को जोड़ूं तो 2/10 ए से लिया प्लस 2/20 फ्रॉम ए एंड 2/20 फ्रॉम बी। एलसीएम कितना आया स्टूडेंट्स 20, बी से कम 20 2 प्लस बी से कम 20 2 4/20 4/20 इनका टोटल आया। वी कैन मिनिमाइज दिस फिगर 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा, यानी कि अपना जो आंसर आ गया ये 2/10 के लिए आ गया और इसको एडमिशन कितने के लिए दिया था 2/10 के लिए इसको एडमिशन दिया था, यानी कि अपना कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से अपन यदि चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो अपना आंसर क्या आया 1:1 ए और बी का सेक्रीफाइस रेशो। अब मैं तुमको कह रहा था, आप लोगों को मैं बोल रहा था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइस एंड सेक्रीफाइस रेशो। यदि मैं यहां पर देखता हूं सी 2/10 के लिए आया था, 2/10 का आधा किसने दिया ए ने, तो ये 2/20 जो फिगर है ये ए का सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस रेशो नहीं है। और इसी तरह से 2/10 का आधा इसने बी से लिया तो 2/20 ही बी का सेक्रीफाइस है, पर्सनल सेक्रीफाइस। तो ये तो क्या हुआ और सेक्रीफाइस रेशो क्या है 1:1। तो स्टूडेंट्स इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि सेक्रीफाइस अलग होता है और सेक्रीफाइस रेशो अलग होता है। फॉर्मूले के अंदर जो अपन रखते हैं सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशो, इससे जो आंसर आएगा वो सेक्रीफाइस रेशो आएगा, पर्सनल सेक्रीफाइस नहीं आएगा। आशा करता हूं कि आप सब स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया होगा। अपने इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। आप लोगों ने इस वीडियो को इंटरेस्ट लेकर देखा, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक्स अ लॉट।